दोस्तों टाटा प्ले डीटीएच की तरफ से 7 नई एचडी बिना एचडी रिचार्ज प्लान को रिलीज किया गया है, जिनमें हमें एक ही प्लान के अंदर जितने भी स्पोर्ट किड्स न्यूज एंटरटेनमेंट मूवीज सारे चैनल हमें एक ही प्लान के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों कौन कौन से वो प्लान है, साथ ही कैसे एक्टिवेट करेंगे, प्राइस कितनी रखी गई है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, अभी तक हमारे चैनल पर आपने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि टाटा प्ले डीटीएच प्रत्येक महीने एक या दो नए रिचार्ज प्लान को रिलीज करता रहता है। सबसे पहले हम बात करें कि टाटा प्ले डीटीएच के जो नए रिचार्ज प्लान है वो कौन कौन से दिए गए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टाटा प्ले डीटीएच में आपके लिए सबसे बेस्ट रिचार्ज कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर टाटा प्ले डीटीएच का जो पहला नया प्लान है बंगला हिंदी सुपर वैल्यू प्लान रिलीज किया गया, 207 रुपए एक महीने की प्राइस है। खास बात दोस्तों आपको मूवीज के यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 चैनल आपको मूवीज के देखने को मिल रहे हैं। हिंदी एंटरटेनमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 15 चैनल हिंदी एंटरटेनमेंट के देखने को मिल जाते हैं। खास बात दोस्तों किड के भी यहाँ पर आपको 7 चैनल दिए गए, इसके अलावा आपको म्यूजिक के भी यहाँ पर 6 चैनल देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट में भी आपको 6 चैनल देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से काफी बेस्ट प्लान है, क्योंकि आपको सभी कैटेगरी के मैक्सिमम चैनल एक ही प्लान के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसकी प्राइस भी काफी कम है, 207 रुपए एक महीने की प्राइस है। एनसीए प्लस करते हैं 325 रुपए की समथिंग इसकी प्राइस देखने को मिलेगी। दूसरा जो प्लान है नॉर्थ ईस्ट सुपर वैल्यू न्यू प्लान रिलीज किया गया, मात्र इसकी 207 रुपए एक महीने की प्राइस है। सेम वही चैनल आपको इस प्लान में देखने को मिल रहे हैं जिसे मैंने आपको पिछले प्लान में बताया था। दोस्तों इसके अलावा तीसरा जो प्लान से रिलीज किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ओडिया हिंदी सुपर वैल्यू एचडी न्यू प्लान है, 304 रुपए एक महीने की प्राइस है। खास बात मूवीज के जितने भी चैनल हैं प्रीमियम वाले सारे के सारे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हिंदी एंटरटेनमेंट बात करें तो स्टार प्लस कलर साइनप्लेक्स है एंड पिक्चर है, इसके अलावा जी टीवी है, इसके अलावा आपको कलर टीवी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट है, किड्स के भी यहाँ पर 7 चैनल दिए जाते हैं, म्यूजिक के भी काफ़ी ज़्यादा है, स्पोर्ट में आपको 5 चैनल देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसे भी आप ले सकते हैं, अगर एचडी प्लान लेना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी बेस्ट है। अगर दोस्तों इसके अलावा और भी प्लान इनकी तरफ से रिलीज किए गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगला हिंदी सुपर वैल्यू एचडी नया प्लान रिलीज किया गया, 326 रुपये एक महीने की प्राइस है। मूवीज़ के आपको यहाँ पर 22-23 चैनल देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हिंदी एंटरटेनमेंट के सारे चैनल दिए गए, स्पोर्ट में आपको 6 चैनल है, सोनी 10 3 HD, इसके अलावा यहाँ पर किड्स के भी काफ़ी ज़्यादा चैनल देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों कोई सा भी आप प्लान ले सकते हैं, लेकिन इन प्लान की प्राइस काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप सबसे बेस्ट प्लान लेना चाहते हैं टाटा प्ले डीटीएच की तरफ से, इनका जो नया प्लान रिलीज किया गया जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं बंगला हिंदी सुपर वैल्यू न्यू प्लान को ले सकते हैं, 207 रुपये एक महीने की प्राइस है। खास बात दोस्तों आपको सभी कैटेगरी चाहे स्पोर्ट का, किड्स का, न्यूज एंटरटेनमेंट मूवीज सारे कैटेगरी के चैनल आपको एक ही प्लान के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एनसीए प्लस करेंगे तो 325 रुपये के समथिंग इसकी हमें टोटल प्राइस देखने को मिल जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके।